दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत फ्री में आप 5 लाख का इलाज करवा सकते हैं, लेकिन आपका नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में होना चाहिए। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप फ्री में 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपका नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में नहीं है तो उसे आप कैसे ऐड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छी नॉलेज देने वाला हूं। भारत सरकार ने एक नई पोर्टल लॉन्च की है, उस पोर्टल के शुरू से अगर आपका नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में नहीं है यानी कि आयुष्मान भारत कार्ड आपका नहीं बना है तो आप कैसे बनवा सकते हैं, इस वीडियो में आप लोगों को पूरा प्रोसेस लैपटॉप के स्क्रीन पर जाके मैं आप दोस्तों आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJAY लिख के आपको सर्च कर देना है गूगल पर आने के बाद। उसके बाद आपको एक वेबसाइट यहाँ पे आपको नज़र आएगा, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट आयुष्मान भारत PMJAY, तो आपको इसी के ऊपर ही आपको क्लिक कर देना है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य का ये ऑफिशियल वेबसाइट है भारत सरकार का, यहीं से पूरा काम होता है। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप कोने पे देखिए एक नया पोर्टल का आपको लिंक दिखाई मिल रहा है यहाँ पे। चलिए मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इधर यहाँ पे देखिए आपको गार्वेंस पोर्टल का आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, तो आपको इस गार्वेंस पोर्टल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है तो आप लोगों के सामने एक नई वेबसाइट खुल के आ जाएगा। तो चलिए इस वेबसाइट को आपको पूरी तरह से रीलोड होने देना है, आपको वेट करना है यहाँ पर। और एक नई वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल के आ गया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे रजिस्टर योर गार्वेंस और ट्रैक योर गार्वेंस, तो आपको रजिस्टर करना है। तो सिंपल आपको रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो आप लोग देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का आपको पेज नज़र आएगा, एक पॉपअप को भी खुल के आ जाएगा। शायद मेरा कुछ नेटवर्क इशू है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरा पॉपअप खुल के आ गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं गार्वेंस रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपल यहाँ पे PMJAY के ऊपर क्लिक करके आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिल रहा है, तो रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने पूरा फॉर्म खोल के आ जाएगा, इस फॉर्म को आपको सही से भरना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं फॉर्म खुल के आ गया है, तो सिंपल चलिए मैं आप लोगों को तुरंत बता देता हूँ कि कैसे आपको ये भरना है। तो यहाँ पे गार्वेंस बाय में आपको बेनिफिशरी ही रहने देना है, यहाँ पे और बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है तो आप बेनिफिशरी ही रहने दीजिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके परिवार में किसी न किसी का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में नाम जुड़ा होना चाहिए, तभी आप ये अपना नाम ऐड करवा सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं जुड़ा होगा तो फिर दिक्कत होगा आपको। तो अगर किसी न किसी आपके फैमिली में ज़रूर जुड़ा होगा, आपका नहीं जुड़ा है तो आप जुड़वा सकते हैं, उन्हीं फैमिली में आप ऐड करवा सकते हैं, इसीलिए इस ऑप्शन को लाया गया। तो इस ये बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको केस टाइप में 3-4 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर कंप्लेंट है, इंक्वायरी है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है। तो आपको नया ऐड करना है तो रिक्वेस्ट के ऊपर आपको हमेशा क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको नो के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि आपका है नहीं ऑलरेडी, तो नो के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद बेनिफिशरी की डिटेल आपको देना है, जिसका नाम ऐड करना चाहते हैं उसका यहाँ पर जो भी नाम है उस नाम को यहाँ पर कुछ भी नाम यहाँ पर जो भी है वो यहाँ पर आप भर दीजिएगा। उसके बाद जेंडर में मेल या फेल जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, और बर्थ में आपको उसका जो भी बर्थ है वो यहाँ पे बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिए, कुछ भी मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डेमो के लिए डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्टेट में आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे किसी एक स्टेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलिए मैं बिहार को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। एड्रेस में आपका जो आधार में एड्रेस है पूरा भर दीजिएगा, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी यहाँ पे भर देना है। और उसके बाद यहाँ पे गार्मेंट्स डिटेल में आप लोग देख पा रहे हैं, तो गार्मेंट्स डिटेल में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप अदर्स चूज कर सकते हैं, अदर्स यहाँ पे भरिएगा। उसके बाद गार्मेंट्स अगेंस्ट में यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आपको टाइप कर देना है, PMJAY ही आपको टाइप करना है, कि किसी से रिगार्डिंग आपको कैसे चाहिए जो भी आपको सॉल्व है इससे रिगार्डिंग है, तो आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टाइप करना है। उसके बाद ठीक उसी तरह आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट उसी तरह आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नेम और गार्मेंट्स में यहाँ पे आपको वही प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आपको लिख देना है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है, यहाँ पे गारमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिस्क्राइब करना है कि क्या आप करना चाहते हैं, क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आपको बिल्कुल टाइप करना है। तो क्या आपको टाइप करना है उसका भी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं कि मैं एक गरीब फैमिली से हूँ और मेरा नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में नहीं है, तो मेरा नाम इसमें शामिल किया जाए। जिस तरह एप्लीकेशन लिखा जाता है उस तरह कर सकते हैं। ज़्यादा शब्द में आपको टाइप नहीं करना है, कितना टाइप करना है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। आपको यहाँ पे 300 कैरेक्टर के अंदर ही आपको यहाँ पे देना है, तो उसके जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पे लिख दीजिए। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ कुछ आपको समझाना पड़ेगा, तभी ये आपका फॉर्म है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे 3000 कैरेक्टर का आपको ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि पूरी आप एप्लीकेशन यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपलोड फाइल में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। जिसका आप भर दे रहे हो उसका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और किसी फैमिली में अगर जिसमें ऐड करवाना चाहते हैं अपना नाम, उस पर आपका जो सेलेक्ट फाइल है सेलेक्ट फाइल कीजिएगा। उसके बाद राशन कार्ड आपका जो भी होगा उस राशन कार्ड को यहाँ पर अपलोड कर देना है। राशन कार्ड अपलोड करने के अपलोड चूज कीजिएगा, उसके बाद ऐड के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद सिंपल, उसके बाद फिर से सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद फिर अपना जो भी आधार कार्ड है वो आधार कार्ड यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, जिसका आप ये भर दे रहे हैं। और जिसके नाम से राशन कार्ड है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ताकि अच्छा रहे, अप्रूव जल्दी से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपलोड वीडियो का आपको हो रहा है, ऑडियो और वीडियो का। तो अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल के कैमरे से एक वीडियो बना लीजिए कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूं और मुझे इस कार्ड की ज़रूरत है, आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत है। तो उस तरह करके अपना जो भी वीडियो है बना दीजिएगा। और मेरा रिक्वेस्ट है, जिस तरह एप्लीकेशन में टाइप कीजिएगा उस तरह आप वीडियो में बोल कर भी इन लोगों को समझा सकते हैं। और यहाँ पर सेलेक्ट फाइल कीजिएगा और उस वीडियो का जो भी है उस वीडियो को सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सिंपल यहाँ पे आपको टिक कर देना है, आई एग्री के ऊपर आपको टिक करना है यहाँ पे, और आपको सिंपल सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के आपको सबमिट कर देना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर दिया गया है, इसको कॉपी कीजिए और कॉपी करके रख लीजिए, और ओके पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह का आपको पेज नज़र आएगा। आप इस फॉर्म को पूरी तरह से प्रिंट कर सकते हैं प्रूफ के लिए, तो इसे प्रिंट के ऊपर क्लिक करोगे तो इसे आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। और फाइनली आपको बैक आना है और मेनू पे क्लिक करना है, और यहाँ गारमेंट्स पोर्टल का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप उसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आपको गारमेंट ट्रैक के ऊपर क्लिक करोगे, रेफरेंस नंबर जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करके सबमिट करोगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस मोबाइल नंबर के ओटीपी को डाल दीजिएगा। यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं आपका फॉर्म का जो भी स्टेटस है वो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका रिजेक्ट हुआ है या अप्रूव हुआ है। अगर यहाँ पे आपका अप्रूव हो जाएगा तो फाइनली आपका नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में ऐड हो जाएगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ।